गुड इवनिंग गुड इवनिंग यार ये कीड़े बहुत लग रहे हैं यार इधर लाइट में भाई यो कीड़े इतना कहाँ से आ जाते हैं यार रोज तो गायब हो जाते थे थोड़ी देर लग करके अभी आज आज तो बहुत ज्यादा यार आज तो बहुत ज्यादा आफत कर दी एकदम से सर के ऊपर ही लगा हुआ है राउट कुछ तो भूल रहा हूँ मैं पेन यहाँ पे है फाइन ओके okay. एक चीज़ ट्राई कर लेते हैं सभी को गुड इवनिंग एलगी लोग भाई एक्वाटिक लोग देख रहे हो क्या चिल कर रहे हैं एकदम खतरनाक वाले तरीके से एक चीज़ और ट्राई कर ले रहा हूँ इसको सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा कि ये क्या है नो मोर ट्राई टाइम लेफ्ट प्लीज रजिस्टर अच्छा तो इसको यूज करने के लिए हमें रजिस्टर होना पड़ेगा ओके okay. ठीक है तो ये लोचा है सॉफ्टवेयर के साथ में ये लोचा है चलो हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ट है लिखने वाला भी पढ़ने वाला भी तो यहाँ पे आप सामने जो टॉपिक है वो है। आज जिसके बारे में हम लोग अभी बहरहाल बात कर रहे हैं बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाएं जल्दी जल्दी से और आज का लेक्चर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है तो थोड़ा सा ध्यान से सभी लोग बने रहिएगा और इस्पेशली जो भी एलेवेंथ के बच्चे हैं वो जरूर बने रहेंगे उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आज इस लेक्चर में रहेंगी एल के बारे में और काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें रहेंगी इनसे सवाल भी आपके काफ़ी बनेंगे तो ध्यान से इस वीडियो को जो है हम लोग अब शुरू करते हैं तो देखो सबसे पहले बात हम लोग बात कर रहे थे एल की किसकी बात कर रहे थे एल की बात कर रहे थे और एल के हैबिट हैबिटेट habit, के बारे में हमने बात किया था वॉट इज़ हैबिट हैबिटेट हैबिट हैबिटेट मीनस वो कहाँ पे रहते हैं आ, इसके बारे में बात किया हुआ था बाकी जो है कुछ थोड़ी मोड़ी बातें और भी की हुई थी जैसे कि आ, किस किस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं एल हमें हमें कुछ जो होते हैं वो कॉलोनील होते हैं कुछ फिलामेंटस होते हैं जो मैंने आपको डायग्राम में जो है वो पिछले लेक्चर पे बताया हुआ था ये सारी बातें कि वो किस किस फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली मैं पहले आपको एक एलगी के बारे में बता देता हूँ कि आपको एक एलगी के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं अब आपके सामने ये जो एल जो सामने दिखाई दे रहा है ना ये एक ट्रेडिशनल एल है ट्रेडिशनल एल मतलब एक कम्प्लीट एल आप बोल सकते हो ये इस एल का नाम होता है क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास अब ये जो क्लेमाइडोमोनास हमारा होता है ना इस एल्गी का नाम होता है क्लेमाइडोमोनास ये क्लेमाइडोमोनास एलगी यूनिसेलुलर होता है कैसा होता है यूनिसेलुलर होता है और ये आप हमेशा आपको जो है वो पढ़ने को मिलता है तो पहली बात इस एलगी का नाम होता है क्लेमाइडोमोनास और ये एक यूनीलुलर एलगी होता है और इसके अंदर सभी तरीके के रिप्रोडक्शन सभी तरीके के जिस तरह से प्लांट के अंदर न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं वो और एक सेल होते हुए ये सारा काम कर सकता है फिर वो चाहे किसी भी तरह का रिप्रोडक्शन हो चाहे वेजिटेटिव हो चाहे एसेक्शुअल हो चाहे सेक्शुअल हो इसके अंदर हमें सभी तरह के रिप्रोडक्शन्स देखने को मिलते हैं इसका एक स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से क्या होता है कंप्लीट होता है दूसरी बात इस डायग्राम को मैंने बनाया था ये डायग्राम थ्री में है लेकिन मैं आपको बहरहाल इसमें थ्री तो नहीं दिखा सकता हूँ लेकिन ये थ्री में है तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इसमें हमें गोल्जी बॉडी भी देखने को मिलती है इसके सेल के अंदर ठीक है और जूम नहीं हो सकता है तो इतना ही जूम हो सकता है तो यहाँ पे हमें गोल्जी बॉडी देखने को मिलती है इट्स अ माइटोकॉन्ड्रिया हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है और ये जो बीच में होता है ये हमारा मेन न्यूक्लियस होता है नीचे वाला जो हिस्सा होता है दैट्स अ पायरिनोड्स हम लोग पायरिनॉयड्स कहते हैं और ये जो आपका पूरा इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना हॉर्स शू लाइक हॉर्स शू मतलब घोड़े की नाल जैसा घोड़े की नाल जानते हो ना हॉर्स शू जो होता है जिसको हम लोग घोड़े का जूता बोल दो कुछ भी बोल दो हॉर्स शू इस तरीके से होता है ना घोड़े का नाल जो घोड़े के पैर में पहनाया जाता है उनको टप टप की आवाज़ जो आती है तो बेसिकली ये इसी शेप के होते हैं तो क्वेश्चन पूछता है कि जो आपके होते हैं क्या नाम से क्लेमाइडोमोनास में जो आपके बेसिकली क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो आपके किस शेप के बेसिकली होते हैं तो दैट्स आर हॉर् शू लाइक होते हैं ठीक है बाकी इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन आप सभी को पता है और चूंकि ये एक यू सेल्स है एक यू सेल सेल्स है और एक प्लांट सेल्स है तो इसके अंदर तकरीबन तकरीबन सभी तरीके के जो भी आ, सेल ऑर्गेनल हैं वो प्रेजेंट होंगे ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रेजेंट नहीं होगा और ये हमारा क्या होता है बेसिकली इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं ये हमारा फ्लैजिला होता है कहीं कहीं पे इसको सीलियम का नाम दे देते हैं तो आप उसको भी ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे आई स्पॉट्स देखने को मिलते हैं एक अलग स्ट्रक्चर ये हमारा पायरी नोएड्स होता है तो ये एक कॉम्प्लेक्स एलगी है मतलब एक कंप्लीट एलगी है जिसके अंदर हमें इतनी बातों को ध्यान में रखना है कि पिगमेंट कौन सा पाया जा रहा है अगर क्लोरोप्लास्ट जैसे कि आप जब स्पायरो गायरा की बात करते हो ना तो स्पायरो गायरा मैंने कैसे बनाया था ऐसे दो लाइनें बनाई थी और उसके बीच में इस तरह से फिलामेंट लाइक इसमें जो फिलामेंट लाइक क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलते हैं किसमें इस्पायरोरा के अंदर तो वो आप ध्यान में रखेंगे यूलोथ्रिक्स अगर आप देखेंगे तो वो उसमें बहुत सारी सेल एक साथ होती हैं लंबी सी होती है यूलोथ्रिक्स और उसमें बहुत सारी सेल एक साथ होती है ठीक है ना मतलब कई चैम्बर्स होते हैं कई सेल्स होती हैं कई सेल्सें सेल्स मिल के बनी होती हैं पर क्लेमाइडोमोनास इज़ वर्ट क्लेमाइडोमोनास कॉस्मोपोलिनेटेड होते हैं दुनिया में हर जगह देखने को मिलते हैं और ये एक कंप्लीट एल्गी होते हैं इस बात को आप इनके बारे में ध्यान में रखना है इसी एलगी के अंदर जो होता है ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं क्लोरोफाइसी मतलब ये एक ग्रीन एलगी को बिलोंग करते हैं किस तरह के एलगी होते हैं क्लोरोफाइसी होते हैं और क्लोरोफाइसी में क्लोरोप्लास्ट होता है जो वो ग्रीन कलर के एपियर होते हैं ये जो एलगी होते हैं हमारे तो ये क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं और ये एक कंप्लीट एल होते हैं और बस आपको इतनी बातें इनके बारे में ध्यान में रखना है बाकी अभी आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आप क्लेमाइडो मुनास के ही डायग्राम को ज़्यादा देखते हैं क्योंकि क्लेमाइडो मुनास में हमें सभी तरह के रिपोडक्शन्स देखने को मिलते हैं फिर वो चाहे मल्टीपल फिजन हो फिर वो चाहे हमें स्पोर हो फिर वो चाहे एनआईसोगस हो फिर चाहे आइसो गैमस हो फिर चाहे ओ गैमस हो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जिसको हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे ठीक है तो यहाँ पर देख लीजिए आप स्ट्रक्चर्स है पूरा का पूरा हमारे क्लेमाइडोमोनास uh, का एक एक स्ट्रक्चर्स है अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है तीसरे नंबर पे बड़े बड़े कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स भी इसमें देखने को मिलते हैं जो कि वाटर बैलेंस करने का काम करते हैं आई स्पॉट्स होते हैं जो इनकी फ्लैजिला को मोमेंट कराने में मदद करते हैं एक तरह से सेंसरी की तरह काम करते हैं सेंसरी ऑर्गेन की तरह काम करते हैं क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जिनका काम फंक्शन आपको पता है तो ये सभी चीज़ें हमें तकरीबन तकरीबन ज़्यादातर जो हमारे एल होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं तो रिजर्व फूड मटेरियल को भी आपको ध्यान में रखना है कि इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है उसके लिए हम एक चार्ट लेकर के आए हुए हैं लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे आपके किताब की एन की लाइनों की तो आप दूसरे पैरा को पढ़िएगा अपने किताब में दूसरा पैरा होगा आपकी किताब में तो आप उस लाइन को ढूंढ लीजिए एलगी में ही वो आपको मिलेगा तो अपनी किताबों को खोल लीजिए और एक एक करके मैं लाइनों को पढ़ता चलूँगा और आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता चलूँगा कि एलगी में रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है क्या होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और बाकी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन की तरफ देखते हैं एलगी में तो देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है वो आप लोग सभी लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे रिप्रोडक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या होता है सभी लोग जानते हो आ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक से बताना जो है वो ज़रूरी है रिप्रोडक्शन किसी भी चीज़ का रिप्रोडक्शन मतलब री प्रोडक्शन मीन्स अपने जैसा ही किसी दूसरे इंडिविजुअल को बनाना आप जानते हो रिप्रोडक्शन्स बेसिकली अगर हम बात करें एन सी आर टी की बुक के मुकाबले तो हम दो पढ़ते हैं लेकिन बेसिकली हम कहते हैं कि वेजिटेटिव क्या बोलते हैं वेजिटेटिव कहते हैं दूसरा हम लोग बोलते हैं ए सेक्शुअल और उसके बाद हम लोग बोलते हैं सेक्शुअल अब एन सी आर टी मानती है कि भाई वेजिटेटिव जो होता है वो एक अलग तरह का रिप्रोडक्शन नहीं क्योंकि वेजिटेटिव इज़ अ प्रोपैगेशन इज़ अ प्रोपैगेशन प्रोपैगेशंस एक अलग चीज़ होती है जैसा कि मैंने कहा है और ए सेक्शुअल प्रोडक्शन एक, एक अलग चीज़ होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक अलग चीज़ होती है आखिर ऐसा क्यों बोला जाता है आंचल या दो गुड इवनिंग ओके तो यहाँ पे क्यों बोला जाता है कि जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव को क्यों नहीं मानता है एन इस बारे में आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं देखिए रिप्रोडक्शन इज़ अ स्पेशल इवेंट एक आम बात नहीं है रिप्रोडक्शन होना रिप्रोडक्शन इज़ अ स्पेशल इवेंट क्या आदमी पैदा पैदा होते ही उसके बच्चे होने शुरू हो जाते हैं क्या पेड़ जो है खिलते थोड़ा सा दो पत्तियाँ निकलते हैं उसमें फूल खिलने शुरू हो जाते हैं नो रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक पर्टिकुलर एज में देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर टाइम पे देखने को मिलता है मतलब दैट्स आ इवेंट वो क्या होता है कि स्पेशल इवेंट होता है हमारे लाइफ साइकिल का जिस समय हम रिप्रोडक्शन्स के लिए प्रिपेयर होते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप हमेशा रिप्रोडक्शन कर सकते हो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो आप रिप्रोडक्शन को हमेशा नहीं कर सकते मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर रहा हूँ ताकि आपको फेस विजिबल हो सके ओके okay. तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आप रिप्रोडक्शन्स को हमेशा नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक इवेंचुअल प्रोसेस है एक इवेंट की प्रोसेस है और जो भी आपके एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते हैं या फिर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते हैं ये दोनों तरह के रिप्रोडक्शन एक इवेंट पे ही देखने को मिलते हैं ऐसा नहीं कि हमेशा देखने को मिलेंगे बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज नॉट इवेंचुअल प्रोसेस ये किसी तरह के इवेंट का वेट नहीं करते हैं मतलब कि जैसे मेरी उंगली है ये चाहे मेरे पैदा होते ही तो टूट जाए या फिर मेरे पैदा होने के बाद टूटे इससे अगर मेरे जैसा टूटने से अलग होते ही मेरे जैसा एक और बन जाए तो मतलब मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता हूं मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने की कोई एज या कोई समय सीमा नहीं होती है वो किसी भी एज में किसी भी समय सीमा पे हो जाती है इसीलिए हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं प्रोपेगेशन का नाम देते हैं किसका नाम देते हैं प्रोपेगेशन बोलते हैं दैट्स अ वेजिटेटिव Propagation मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट जो होगा वो अलग होगा और उससे एक नया बॉडी बन जाएगा इस चीज़ को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं अब ये चीज़ भी हमें एल्गी में देखने को मिलती है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी एलगी में देखने को मिलता है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी एलगी में देखने को मिलता है पर किसी किसी एलगी में केवल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी किसी एलगी में केवल ए सेक्शुअल रिपोडक्शन किसी किसी में वेजिटेटिव होता है और किसी किसी में तीनों होता है जैसे क्लेमाइडोमोनास उसमें हमें तीनों तरह के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर मैंने कहा कि हम एलगी के एक जनरल कैरेक्टर के, के बारे में पढ़ रहे हैं अभी उसके बाद जब हम बात करेंगे ना तो एक एक स्पेशल एलगी के बारे में पढ़ेंगे कि इस एल में ये वाला रिप्रोडक्शन नहीं होता फिर उस वाले एलगी में ये वाला नहीं लेकिन आपको ये तीनों रिपोर्डक्शन जानने बेहद जरूरी हैं। अब हम आपके एनसीआरटी की लाइनों के तरफ आते हैं और जहां पर भी आपको यस, yes, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो पेरेंट्स होता है वो सिंगल पेरेंट्स होता है और जो आपका सेक्सुअल uh, रिप्रोडक्शन होता है उसमें डबल पेरेंट होता है क्या कोई हमें बता सकता है कि विच रिपोडक्शन आर गुड फॉर इवल्यूशन और ह्यूमन और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोडक्शंस आर इम्पॉर्टेंट या विच रिप्रोडक्शंस आर गुड फॉर एनी ह्यूमन एंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई बता सकता है चलिए जवाब दीजिए ओए मेरी बॉटल मेरी बॉटल मेरी कहाँ नहीं रखा बॉटल मिस्टेक नहीं हो सकता ऐसा बॉटल बगैर में जिंदा कैसे रह सकता चलिए बताइए भाई जल्दी से गुड इवनिंग शिवा लेट हो गई भाई लेट लेट क्यों आ रहे हो हाँ यार यार मेरी बॉटल नहीं दिख रही मेरे भाई बॉटल बहुत ज़रूरी है यार एक मिनट रुको वेट करो जरा सा मैं पानी लेके आता हूँ हमें कोई जवाब नहीं दे रहा है कि कौन सा रिप्रोडक्शन ह्यूमन के लिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा होता है वेजिटेटिव वाला ए सेक्शुअल वाला या सेक्शुअल वाला ये बहुत ख़राब बात है आप लोगों ने जवाब नहीं दिया मुझे इट्स अ बैड मैनर ये ये नहीं होना चाहिए आपको जवाब देना चाहिए अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो बहुत धोखा करते हैं आप हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को समझ रहे हैं बहुत अच्छे हम तो यार इंतज़ारी करते रह गए हमें पता है कि नीट टारगेट वाले क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं वो वेट कर रहे हैं कि कोई और जवाब दे और वो जवाब नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं अब मैं बताता हूँ हमेशा आप इस बात को ध्यान में रखिएगा हमेशा आ, नीट क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके क्वेश्चन अपने सामने रख देती है आपके कि विच रिप्रोडक्शंस आर बेटर यार कमेंट्स क्यों नहीं हो रहा है यार मैंने चैनल का नाम बदल दिया इसलिए तो नहीं कमेंट रुक गया है मेरे चैनल का नाम विधान बायोलॉजी हो गया बहरहाल आप सभी लोग को पता चल गया होगा और अभी ऑनलाइन टीचिंग होटी जो है हट गया है तो मैं काफ़ी दिनों से सो सोच रहा था अच्छा एक सेकेंड मैंने आई थिंक मेरे मोबाइल में नहीं दिखा रहा है मैं एक बार चेक करता हूँ अपने कंप्यूटर में ओके ओके आदि सिंह कहते हैं पता नहीं सर ओके वेजिटेटिव फॉर्म पेरेंट बॉडी ओके मैं दी हूँ देखिए नहीं आ, आया नहीं है यार अंशिका आया नहीं है भाई कुछ होगा कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी यूट्यूब की प्रॉब्लम है मेरी प्रॉब्लम नहीं है यार आ, ऐसा कभी देखो ऐसे बड़े बड़े लोगों में ऐसा छोटा छोटा प्रॉब्लम ऐसा होता रहता है ऐसा कमेंट जैसा बहुत सारे लाखों कमेंट एक साथ आते रहता है कभी कभार मेरे पास में तो लाखों कमेंट को मैं यूट्यूब भी नहीं उसको कभी कभार भेज पाता है तो ये सारी चीज़ें होती है ऐसा कभी कभार तो ऐसे लाखों कमेंट जब आएंगे ना तो फिर ऐसा दिक्कत तो होती है चलो खैर चलो कोई दिक्कत नहीं मैं जो पूछा था उसकी बात बाद में करेंगे कि कौन सा रिप्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आपका रिप्रोडक्शन जो होता है आपको आकृति पहले भी मैंने बताया हुआ है ये चीज़ जब आपके घर पे आके आपको पढ़ाया हुआ था तो उस समय मैंने आपको चीज़ें बताई हुई थी कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन्स इम्पॉर्टेंट होती है मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इवोल्यूशन के लिए किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है इवोल्यूशन्स के लिए तो ह्यूमन लाइफ के लिए या फिर या फिर आप लिविंग ऑर्गेनिजम के लिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस आर बेटर मैथड फॉर एनर रिपोडक्शन्स बिकॉज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन्स हैव पोटेंशियल टू इम्प्रूव आवर कैरेक्टर्स ठीक है ना समझ रहे हो कि नहीं क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन्स के पास में ये क्वालिटी होती है कि वो हमारे कैरेक्टर को इम्प्रूव कर सकता है बिकॉज क्यों क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट्स के बीच में होता है और हो सकता है मे बी अगर एक पेरेंट ख़राब भी हो तो दूसरे पेरेंट्स के हेल्प से वो उसका जो बच्चा होता है वो गुड या फिर बेस्ट निकल सकता है तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि एल जो होता है वो तीनों तरह से प्रोड्यूस करता है एन की लाइनें हैं आपकी अब इनके ऊपर हम फोकस करेंगे वरना हम अपने टॉपिक से भटक जाते हैं एल जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव एसेक्शुअल और सेक्शुअल तीनों मेथड से पहली बात आप सभी को इस बात का ध्यान में रख लेना है इलेवेंथ वाले इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रख लेंगे एलगी जो है वो केवल इंडिविजुअल नहीं है एलगी इज़ अ होल ग्रुप एलगी नॉट इंडिविजुअल। इट्स अ होल ग्रुप एलगी के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल क्लासेज आएंगे फिर उनमें बहुत सारे अदर चीज़ें आएंगे बट एल इज़ अ होल ग्रुप ऑफ प्रिमेटिव या थैलोफाइटा ठीक तो है ना हम हम उसको थैलोफाइटा बोलते हैं जिस भी जो भी प्लांट थैलस लाइक स्ट्रक्चर है राइट तो ये बात कभी मत समझिएगा कि मैं एक पर्टिकुलर एलगी की बात करूँ ना एलगी का बात करने का मतलब इसमें जितने भी रिप्रोडक्शन का मतलब है मतलब मैं कंप्लीट होल ओके मैं कंप्लीट होल रिप्रोडक्शन्स uh, की बात करूँ कंप्लीट होल एल की बात कर रहा हूँ अब जैसे मैंने अभी एक एल का नाम आपको क्लेमाइडोमोनास बताया आप और एल के नाम जानते हो स्पायरोरा है आप और एल का नाम वॉलॉक्स है और एल का नाम लैमिनेरिया है और एल का नाम फ्यूकस है और एल का नाम डिक्टियोटा है जो आपके सिलेबस में है आपने देखा है जैसा कि आप जानते हो ठीक है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ बाई फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटरी रिप्रोडक्शन जो पहली चीज़ होती है फ्रैगमेंटेशन कॉपी निकालो सब लोग अंडरलाइन करो दैट्स अ फ्रेगमेंटेशन फ्रैगमेंटेशन इज़ वॉट फ्रेगमेंटेशन ऐसा होता है कि किसी भी एलगी की एक बॉडी होती है और उस बॉडी से एक छोटा सा टुकड़ा भी टूट के निकले तो उससे एक नया एलगी बन जाए लाइक अगर मैं हूँ मेरी आँख ऐसे निकले और मेरी आँख से जो है एक नया अंकित बन जाए हु तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन को हम लोग बेसिकली वेजिटेटिव रिपोडक्शंस कहते हैं जिसमें बॉडी पार्ट्स ब्रेक होते हैं और बॉडी पार्ट्स से ही एक नया इंडिविजुअल बन जाए इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं वेजिटेटिव रिपोडक्शन्स कहते हैं तो आप इस पॉइंट को चाहो तो लिख लो इलेवेंथ वाले प्रियांशी हैं तो प्रियांशी जवाब दे दें हमें भाई प्रियांशी अगर आई हैं तो प्रियांशी जरूर जवाब दें इप्सिता हैं तो जरा सा इप्सिता अगर आ, वीडियो को देख रही हैं तो वो भी जवाब दें इब्सिता मुझे नहीं पता कि आप वीडियो देखती हैं या फिर नहीं देखती है पर अगर आप देख रही हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन्स में जवाब दें अपने नाम के साथ में सारे बच्चे जो भी इलेवंथ के आते हैं वो अपनी प्रजेंसी एक बार ज़रूर यहाँ पर दर्ज कराएंगे ये वीडियो पब्लिक नहीं चलता है ये वीडियो अनलिस्टेड चलता है ये वही बच्चे देखते हैं जो हमारे बच्चे हैं ठीक है तो आप सभी जो भी आते हो एक बार अपनी सलामती दुआ खैर जरूर दीजिए वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है हमारे लिए चलो तो अगर आप लोग हैं प्रियांशी आंचल हैं वैसे आंचल ने मैसेज दे दिया था आकृति थी इप्सिता हो गई और प्रियांशी हो गई ये दो बच्चे जो हैं ये जवाब पहले दें जो है ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा ठीक है अगर वो वीडियोस को देख रहे हैं तो और नहीं देख रहे हैं, तो क्यों नहीं देख रहे हैं ये मुझे नहीं पता चल रहा है चलो खैर तो अब मैंने कहा कि वेजिटेड रिप्रोडक्शन इज अ फ्रैगमेंटेशंस फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है मतलब बॉडी का कोई भी एक पार्ट ब्रेक होता है और उससे ब्रेक होने के बाद एक नया थैलस डेवलप कर जाता है तो इस बात को आपको ध्यान में रखना इस रिपोडक्शन्स को हम लोग फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं उसके बाद एक रिपोडक्शंस आता है दैट्स अ ए सेक्शुअल रिपोडक्शन्स बाई प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एल के अंदर हमें ए सिक्सुअल देखने को मिलता है जिसमें बहुत सारे स्पोर्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं तो क्या होते हैं बहुत सारे स्पोर्स डेवलप करते हैं इस बात को आपको ध्यान में रखना है अब बहुत सारे स्पोर्स जैसे कि जू स्पोर्स जैसे कि एप्लानो स्पोर्स ये टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं जो हमें एल के अंदर देखने को मिलते हैं ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें फ्लैजिला पाई जाती है उनको हम लोग जू स्पोर कहते हैं और ऐसे स्पोर्ट्स जो एक जगह से देखो जिनके अंदर भी फ्लैजिला और सीलिया दो स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिएगा जिनके अंदर भी फ्लैजिला और सीलिया नाम के दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो मोटाइल होते हैं क्या होते हैं मोटाइल होते हैं और एलगी में ऐसा नहीं है कि केवल ऐसा ही पाया था एलगी में सभी वाले पाए जाते हैं मोटाइल भी पाए जाते हैं नॉन मोटाइल जो मोटाइल होते हैं उनको हम लोग जू स्पोर कहते हैं और जो नॉन मोटाइल होते हैं उनको हम लोग बेसिकली अपलानो स्पोर या फिर नॉर्मल स्पोर का नाम दे देते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स द मोस्ट कॉमन बींग आर जू स्पोर्ट्स दे आर फ्लैजिलेटेड उनके पास में फ्लैजिला होती है फ्लैजिला इज़ वॉट जैसे क्लेमाइडोमोनास में मैंने बताया ये ये चप्पू जैसे नाव अपना चप्पू चलाता है ना उसी तरीके से ये चप्पू चलाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं पानी में तो इस तरीके से मूवमेंट करते हैं अपने फ्लैज़िला के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं और जिनके पास में फ्लैजिला होती है वो मोटाइल होते हैं और इस तरह ऐसे स्पोर जिनके पास में फ्लैज़िला होती है उनको तो हम लोग जू स्पोर कहते हैं तो अगर कोई आपसे कहेगा कि क्लेमाइडोमोनास किस तरह का स्पोर प्रोड्यूस करता है तो दैट्स आर जू स्पोर ऐसा नहीं है केवल जू स्पोर क्लेमाइडोमोनास एप्लानो स्पोर भी प्रोड्यूस करता है कैसा स्पोर प्रोड्यूस करता है एप्लानो स्पोर प्रोड्यूस करता है और एप्लानो स्पोर जो होता है वो बेसिकली जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है तो अप्लानो स्पोर वहाँ पर बना करते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी तक इतना समझ में आया आकृति जवाब दो इतना सभी को समझ में आया जवाब दो हमें जितना अभी बताया समझ में आया सबको जवाब दो सभी लोग हमें आ, आप लोग कमेंट कमेंट्स अभी क्यों नहीं आ रहे थे ये मुझे अंदाजा नहीं है पर अभी आप लोग ये कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास में और अगर अब भी नहीं आ रहे हैं तो आई थिंक uh, मुझे नहीं पता पर शायद आप लोगों ने अभी मैं व्हाट्सएप पे देखा आकृति का मैसेज आया हुआ है ग्रुप में मेरे मैसेज आया हुआ है खैर कोई बात नहीं है ओके और लोग भी जवाब दें आकृति जवाब दीजिए समझ में आया जितनी बातें बताई गई आपको आकृति जवाब दें प्रियांशी हैं प्रियांशी जवाब दें जो भी हैं बच्चे जवाब दीजिए आप लोग ओके, okay. ठीक है चलिए ओके okay. तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिपोडक्शन उसके लिए हमें इस डायग्राम को देखने की ज़रूरत है वैसे ये जो डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है ना ये डायग्राम दोनों तरह के डायग्राम या फिर तीनों तरह के डायग्राम के बारे में बता सकता है आपको इस डायग्राम में इतना सॉरी इतना पोटेंशियल तो है इस डायग्राम के अंदर कि ये डायग्राम आपको सारी चीज़ें बता सकता है जैसे कि अगर आप इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखिए तो इस डायग्राम में आपको जो है तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं और मैं अभी इसको थोड़ा जूम कर दूंगा अगर आपको डायग्राम अच्छी तरह से विजिबल नहीं हो रहा है तो जैसे कि देखिए ये एक सिंगल हमारा क्लामाइडो है इट इज़ वॉट डेट अ सिंगल क्लाइमाइडोमोनास होता है और ये क्लाइमाइडो के अंदर उसके बाद क्या हुआ कि इस क्लाइमाइडो के अंदर जो है क्या हुआ कि ये क्लाइमेडोमोनास से चार छोटे छोटे स्पोर्स बन गए इट्स अ वॉट दैट्स अ स्पोर्स बन गए क्या बन गए स्पोर्स बन गए कब बन गए जब ये मैच्योर हो गया पहले ये ऐसा था और उसके बाद जब ये मैच्योर हो गया तो मैच्योर होने के बाद जैसा कि मैंने कहा कि रिप्रोडक्शन ऐसे नहीं होता है रिप्रोडक्शन्स एक इवेंट है और रिप्रोडक्शन्स के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है तो पहले ये ऐसे था उसके बाद इसमें ग्रोथ हो गई और ग्रोथ होने के बाद ये थोड़ा सा साइज में बड़े हो गए क्या हो गए साइज में बड़े हो गए एंड देन इसके अंदर छोटे छोटे चार स्पोर्स बन गए और फिर ये चार स्पोर्स इसके बॉडी के बाहर इसको फाड़ करके आ गए और उसके बाद जो है छोटे छोटे एक से कितने बन गए चार छोटे छोटे आपके क्लेमाइडोमोनास बन गए आप कहीं पे अगर इसमें देखो तो आपको क्या इसमें कोई डबल पेरेंट्स देखने को मिल रहा है नहीं इनके अंदर हमें कोई भी डबल पेरेंट्स देखने को नहीं मिल रहा इस तरह के इस रि इस तरह इस रिपोडक्शन्स को हम लोग ए सेक्शुअल रिपोडक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें पेरेंट जो होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है अभी आप लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ा तो यस जैसे हमारा सेल डिवीजन होता है वैसे ही हमारा कोई भी यूनिसेलर एनिमल ग्रो करता है जैसे आपने पढ़ा होगा जीवन फेज़ फिर उसके बाद पढ़ा होगा एस फेज़ फिर उसके बाद पढ़ा होगा जी टू फेज़ तो मैंने जीवन फेज में आपको सर ने बताया होगा कि जीवन फेज से एस फेज़ में आने वक्त सेल हमारी साइज़ में काफ़ी बड़ी हो जाती है तो दैट्स अ जीवन फेज एंड जीवन फेज आर जस्ट स्टार्टेड दैट्स अ ग्रोथ फेज एज आर जस्ट स्टार्टेड एंड स्टार्टेड एंड देन इट्स इट्स हैव लॉट्स ऑफ कंटेंट इज़ लाइक साइटोप्लाज ठीक है एंड देन माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस मतलब जी टू फेज के बाद एज इज़ एम फेज़ एम फेज़ में आपका क्या हो जाएगा दैट्स अ माइटोसिस डिवीजन होगा और साइटोकाइनेसिस होगा माइटोसिस डिवीजन मतलब कि ये ऑलरेडी हैप्लॉयड होती हैं कैसी होती हैं एन होती हैं हैंप्लॉयड होती हैं तो हैप्लॉयड होने के कारण इनमें जो डिवीजन होगा वो भी माइटोसिस uh, होगा क्योंकि मियोसिस नहीं हो सकता एंड देन इट्स कन्वर्टेड इन फोर अदर सेल्स उसके बाद फिर उसके बाद ये इन सेल्स को तोड़ करके बाहर आ जाते हैं जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो इस सेल को ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं एंड इट्स प्रोड्यूस अप्रॉक्स फोर फाइव एट समथिंग लाइक दैट स्पोर्स ही प्रोड्यूस करते हैं अब देखिए सपोज दैट ये वाला जो थी ये वाली हमारी क्या बन गई इसने मेल को प्रोड्यूस किया और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आप अच्छा बताओ दोनों को देख के आप बता सकते हो कि इसमें से कौन सा मेल है और कौन सा फ़ीमेल है तुम कहोगे सर बिल्कुल नहीं बता सकते कैसे बता सकते हैं दोनों एक ही शेप के हैं जब दोनों एक ही शेप के होते हैं जब कंडीशन ऐसी हो कि दो सेल्स वो आपस में मेटिंग कर रहे हों और शेम सेल के हो इसके बारे में अभी डिटेल में बात करूंगा देखिए यहाँ पे यहाँ पे हमने एक को पॉजिटिव मान लिया और एक को क्या मान लिया निगेटिव मान लिया मान लिया लेकिन भाई जैसे हम लोग ह्यूमन को देख के पता लगा सकते हैं ना कि कौन सा मेल है कौन सा फ़ीमेल है बट हेयर आर द सेल एंड दी सेल्स आर जस्ट इक्वल साइज एंड शेप सो आई कैन नॉट आइडेंटिफाइड दिस टाइप ऑफ सेल्स ठीक है ना हम लोग नहीं इसको डिस्क्राइब uh, कर सकते हैं कि ये हमारा किस टाइप की सेल्स होती है ठीक है कौन सी इसमें मेल है कौन सी फीमेल है आई कांट डिस्क्राइब दैट तो हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि हम लोग मान लेते हैं कि इसमें से एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है दोनों अलग अलग मेटिंग के सेल हैं और इनके बीच में क्या होता है मेटिंग होती है मेटिंग का मतलब आप समझ रहे हो इनके जेनेटिक मतलब इनके जो क्रोमोजोमल uh, मटेरियल है वो एक्सचेंज होते हैं फ्यूज़न होता है दैट्स अ कॉल्ड द टर्म वाज कॉल्ड फ्यूजन

प्लाज़्मेमी कैरियोगेमी के बारे में आपने कभी पढ़ा हुआ है दैट्स अ इवेंट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट हमेशा क्वेश्चन पूछ सकता है जाना बेहद ज़रूरी है इसके बारे में चलिए बताइए आकृति व्हाट इज़ द प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं आप आ, नो सर लिख सकते हैं और हम आगे इसको पढ़ाना शुरू करते हैं ये कमेंट्स मेरे पास ही नहीं आ रहे अच्छा हो सकता है कि आकृति जवाब दे रही हूँ और मैं लिख रही हूँ मतलब मैं वेट कर रहा हूँ आप लिख के जवाब दीजिए कोई दिक्कत नहीं है बाकी बच्चे अपनी भावनाओं को दबा करके रख सकते हैं जिनको जवाब पता है वो अपनी भावनाओं पे काबू रखें उनको भी बराबर मौका दिया जाएगा वो अपने लेवल के सवाल पूछ सकते हैं जो भी बच्चों के मन में से सवाल उमड़ उमड़ के आ रहे हों सीनियर बच्चों के तो वो सवाल पूछ सकते हैं उमड़े हुए सवालों के बहुत सारे जवाब हैं मेरे पास तो आप बिल्कुल भी टेंशन और चिंता मत करें ठाकुर साहब समझ में आ रहा है ठाकुर साहब लेक्चर समझ में आ रहा है नॉट अ डिवीज़न ऑफ इट्स ये कौन किसने कह दिया ये देखो तुक्का देखो लगा रहा ओके <laughs> okay. अब मुझे नहीं पता इनको टर्म डिवीज़न बोला हुआ है तुमने एंड राइट डिवीजन तरसा गैमी गैमी मींस मिक्स गैमी मींस मिक्स ओके नॉट डि नॉट डिवीजन वर्ड यहाँ पे आएगा uh, अगर आप यहाँ पे कलर्स को ध्यान में रखिए यहाँ पे कलर्स एक बहुत यस इट्स अ अ इट्स फिजन नहीं अभिनव सिंह कहते हैं इट्स फिजन यस यस इट्स नॉट फिजन इट्स अ फ्यूज़न दरअसल ये जो इवेंट है ये फ्यूज़न है ये फिजन नहीं होता है फ्यूज़न का मतलब होता है जब दो चीज़ें आपस में शेक कर दो और मिक्स हो जाएं यहाँ पे सेम इवेंट होता है जब साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स करते हैं मेल एंड फीमेल के दैट्स हमें ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है हमने बस मान लिया है कि जो प्लस है वो मेल है एंड जो निगेटिव है वो फीमेल है क्योंकि दो अपोजिट स्ट्रेन ही आपस में पास पास आते हैं आप इसको हर जगह साइंस में पढ़ते हो हम यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं तो दो अपोजिट स्ट्रेन के क्लामाइडोमोनास पास पास आते हैं उनमें फ्यूज़न होता है फ्यूज़न के मतलब होता है कि दोनों के जो साइटोप्लाज्म होते हैं जब वो मिक्स करते हैं कॉपी में लिख लो आकृति इसको जब आ, आपका जो फ्यूज़न होता है मतलब जब साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स करते हैं तो उस इवेंट को हम लोग प्लाज्मो कहते हैं और जब हमारे न्यूक्लियस आपस में मिक्स करते हैं स्पेशली मेल वाला न्यूक्लियस फीमेल के पास में जाता है दैट्स द मोस्ट केसेज हम ये देखते हैं कि मेल वाला जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा फीमेल वाले न्यूक्लियस के पास में जाता है तो इस कंडीशंस को हम लोग कैरियो गैमी कहते हैं गैमी मींस होता है हमेशा ध्यान में रखना बायो के वर्ड में कैरियो का मतलब न्यूक्लियस एंड गैमी का मींस फ्यूज़न होता है जो आपको हमेशा याद में रखना है एंड देन एन प्लस एन ये भी एन है और ये भी एन है दोनों एन जब आपस में मिल गए तो क्या बन गए दैट्स अ टू एन और इसी को हम लोग जाइगोट कहते हैं और यहाँ पे जाइगोट के एलगी के अंदर जाइगोट को हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम लोग जाइगो स्पोर के नाम से जानते हैं और फिर इस जाइगो स्पोर्स के अंदर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं और जिसके बाद हमें बहुत सारे क्लाइमाइडोमोनास छोटे छोटे न्यूक्लियाई या फिर क्लाइमाइडोमोनास देखने को मिलते हैं तो ये एक नॉर्मल इवेंट था सेक्शुअल रिपोडक्शंस का ए सेक्शुअल का जो कि हमें एलगी के अंदर देखने को मिलता है पर एलगी के अंदर जो सेक्शुअल इंप्रोडक्शन्स होता है वो कई टाइप से होता है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है ठीक है तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिर उसके बाद आपकी एन की बुक पे वापस लौटते हैं ठीक है चलो तो डिस्कशन शुरू करते हैं अभी हम लोग इसको अच्छे से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ अगर इप्सिता और प्रियांशी देख रही हैं वीडियो को तो एक बार हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं जिससे कि लगे यार आप लोग देख रहे हो अदरवाइज़ मैं कॉल कर दूंगा चलो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने कहा दैट्स अ सेक्शुअल रिपोडक्शन्स ओके सेक्शुअल रिपोडक्शंस इंपॉर्टेंट होता है हमारे एल के अंदर जो कि हमें ध्यान में रखना होता है और इसके अंदर हमें बेसिकली तीन टाइप्स के हम डिस्क्राइब कर सकते हैं लाइक एक होता है हमारा आइसो इज़ अ आइसो एंड नेक्स्ट वन इज़ एन आइसो एंड अदर वन इज़ ऊ गैमी ठीक है इसको आपको ध्यान में रखना है ये बेसिकली हमें तीन तरह के बेसिक्स के देखने को मिलते हैं एक मिनट मुझे थोड़ा टाइम देना मेरे पास एक और स्लाइड है प्रोडक्शन की मैं उसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ बीप लगा देना वरना जो है कॉपीराइट आ जाएगा ओके 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 देखता हूँ इतना डिटेल पढ़ाना सही है कि नहीं ज़रूरी है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो अपनी कॉपी में इस पॉइंट्स को सारे के सारे नोट कर लेना ये इसको नोट कर लेना ऐसे जैसे ये बनाया हुआ है मैंने मेहनत लगी थी इसको बनाने में बहुत डेटा खोजना पड़ा था बहुत मेहनत लगती है बनाने में चलो भाई ठीक है तो यहाँ पे अच्छा क्यों नहीं प्रेजेंट हैं वो आप रीज़न बता सकते हैं इब्सित वाई इब्सा नॉट प्रेजेंट है बता सकते हैं आप ये शायद मेरी क्लास में वो रहती भी है वो लड़की उसको पता भी है मेरी क्लास चलती है मैं तो आज तक जवाब देते हुए नहीं सुना उसको कुछ भी मानो उसका नाम अच्छा है अब बता मत देना उसको खतरनाक नाम है उस लड़की का चलो शुरू करते हैं तो यहाँ पे देखो सेक्सुअल प्रोडक्शन्स मैंने काफ़ी टाइप के बताए जैसे आटोगैमी बता दिया होलोगैमी बता दिया इसको हम लोग अभी पढ़ते हैं बाद में पहले आइसो एन आइसोगी और उगैमी को पढ़ते हैं बाद में क्यों पढ़ी अभी पढ़ लेते हैं आटोगैमी क्या होता है पहले इस बात को ध्यान में रखेंगे डेवलप फ्रॉम सेम मदर सेल्स आफ्टर फ्यूज़न दे फॉर्म जाई नो न्यू कैरेक्टर्स इसमें कोई भी नया कैरेक्टर्स नहीं होता है एंड दैट्स अ डायटम एम फोरा एट्सेट्रा होते हैं जिसके अंदर हमें आटोगैमी देखने को मिलता है होलोगैमी की बात करें यूनिसलर मेम्बर में देखने को मिलता है वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंट पॉजिटिव और निगेटिव आपस में फ्यूज़ करते हैं और उसके बाद नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन इसमें मिलते हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास तो हम लोग होलोगैमी पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं होलोगैमी पढ़ते हैं बेसिकली जो हम लोग ध्यान में रखते हैं यार उसी के टाइमिंग के लिए तो हमने जो है अपने टाइमिंग को अलग किया था मुझे आ, अब मुझे ये सब बातें नहीं पता है पर हमारा जो टाइमिंग मैनेज किया गया है वो उसी लड़की के खातिर किया गया था अगर वो इस टाइम को नहीं मैनेज कर पाती तो यार मुझे इस टाइम पे पढ़ाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ये टाइम आई थिंक सुटेबल नहीं है मेरे लिए यार ये ये टाइम बहुत ज़्यादा आफत वाला रहता है आ, रात में रात में मतलब दिन होता है पढ़ा के निकल जाए सही होता है रात में क्या होता है ना कि पढ़ाने के बाद आदमी को पढ़ना भी होता है और पढ़ाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा कमर सीधी करने लगता हूँ चलो मैं कल उससे बात करता हूँ या फिर तुम उससे क्यों नहीं कहती उसी से बोल दो कि सर के पास कॉल करके एक बार बात कर लो क्या इश्यूज़ है हमसे सीधे डिस्कस करें तो ज़्यादा सही रहेगा चलो आइसो को ध्यान में रखते हैं आइसो इज़ वॉट डेट्स आइसो गैमी यार उसके पेरेंट्स को भी हम लोगों ने काफ़ी दफ़े बोल दिया है कि अगर क्लासेज में डिस्टरबेंस हो रही है या फिर क्लासेज आपको लग रहा है कि यार एक तो इतने सारे क्लासेज़ क्यों कर रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है पर हाँ इतने क्लासेस करोगे तो आप चार पाँच महीने में पागल हो जाओगे जो है जिस तरीके से क्लासेज़ आप लोगों की लगातार इतनी ज़्यादा ज़्यादा क्लासेस हो रही हैं तो वो दिक्कत तो करेगी करेगी हाँ यस वेल डन चलिए आइसोगैमी की बात करते हैं आइसोगैमी इज़ व्हाट? आइसोगैमी बिटवीन टू गैमेट्स के बीच में होता है जैसा कि मैंने कहा अब इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं ठीक है ज़रूरी था चलो ओके हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं अभी मैं उससे बात करूँगा पहले मैं उससे बात कर लेता हूँ यार क्या दिक्कत है पहले एक बार कर लेते हैं यार तुम्हारी दोस्त है थोड़ा मदद करो यार उसकी अब मदद नहीं कहते यार तुम लोग तुम लोग ऐसा ऐसा मदद वाली भावनाएं रखो ना यार अंदर ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़वाओ ना यार मुझसे जो है <laughs> वो वो ज़्यादा बेहतर है आप ले के लिए ज़्यादा बच्चे ज़्यादा कम कंपटिशन्स ज़्यादा एकदम एनर्जी ज़्यादा होती है ऐसा ऐसा उसके बाद हम लोग मस्त वाला के आपस में खेलेंगे ना क्या मतलब है पब्लिकली जा कर के उसको ए और के खेलने का है ना तो ऐसा ज़्यादा बच्चे ज़्यादा मज़ा मोर मज़ा और मेरे पास भी ज़्यादा एनर्जी ठीक है हम हम क्लासेस एक से दो घंटे कर देंगे उसके बाद फिर तीन घंटे और फिर चार चार घंटे से लाइव भी पढ़ाया करेंगे अभी मुझे थोड़ा रमने दो फिर उसके बाद इसी में कॉमेडी भी चलेगी इसी में मूवीज़ भी चलेगी इसी में सब चलेगा डोंट वरी मजाक कर रहा करो ऐसा जा किसी से बोलने मत लगना छिपकली मेरे बेड पर तैर रही है तैर तैर के आज खीड़े खा रही सब पेट वगैरह ऐसा सहला सहला करके ऐसा सब मज़ा आ जा रहा है छिपकली की तो पार्टी चल रही है वैसे चलो ओके okay, यार बहुत हो गया मजाक इस फालतू वाला मजाक ना कोई सरकह ना कोई सरकह है ना कोई कुछ भी है इसमें ओके okay, चलो आगे चलते हैं hmm, क्या पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है वाह wow, क्या राइटिंग है चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेसिकली थ्री टाइप्स तीन टाइप्स के होते हैं इज़ is आई हम बोल देते हैं ओके एंड अदर वन इज़ एन isogamous and the एंड द नेक्स्ट वन इज़ आखिर बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे और बच्चे इसको पढ़ चुके हैं आपस में लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे और स्पेशली सभी बच्चे ध्यान देंगे देखो बात ये होती है ना कि ये जो रिप्रोडक्शन तीनों के तीनों बताए गए थे ये बेसिकली सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताए गए थे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा हो तो हम कैसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस टाइप का रिप्रोडक्शंस होगा और ये सवाल नीट के एग्जामिनेशंस में बन सकते हैं आपको किसी भी एक एलगी का नाम दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा आपसे कि इस एलगी में किस तरह का रिप्रोडक्शंस पाया जाता है मतलब इस एलगी में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन्स किस नेचर का होता है ओ टाइप का एन आइसोगेमस टाइप का या फिर आइसोगेमस टाइप का तो आप कैसे पता लगाओगे वो अभी आप पता लगाना शुरू कर दोगे देखो कैसे पता लगाओगे देखो जब आपके पास दोनों पेरेंट बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी मतलब मेल और फीमेल दोनों दिखने में इक्वल हो कोई भी चेंजेस ना हो ना छोटे हों ना बड़े हों ना डिफरेंट कलर के हों मतलब जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा मेल होगा और कौन सा फ़ीमेल होगा तो इस सिचुएशंस में आपका पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि मेल फ़ीमेल कौन है इसलिए आप जो है कुछ सिंबलाइज करके उन दोनों को मान लेते हो कि इसमें से एक पॉजिटिव होगा मतलब मेल होगा और इसमें से एक फ़ीमेल होगी पर दरअसल आप उन दोनों को देख के नहीं पहचान सकते हो कि कौन सा मेल है और कौन सा फ़ीमेल लाइक like, अगर मैं यहाँ पे दो क्लामाइडोमोनास बना दूँ तो दोनों क्लामाइडो मुनास को मैं एकदम इक्वल साइज़ का बना दूँ तो आप देख के पता नहीं लगा सकते हो कि कौन सा मेल है और कौन सा फ़ीमेल है अगर दोनों सेम साइज़ हाइट लेंथ कलर के हैं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो जब इस तरह के मॉर्फोलॉजी के लिए और फिजिज मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर जो हमारे आ, गैमेट्स होते हैं या फिर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर जो हमारे सेल्स होते हैं जब उनके बीच में रिप्रोडक्शन होता है फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस लाइक एक मेल होगा एक फ़ीमेल दोनों की मेटिंग अलग होगी कभी भी सेम फिजियोलॉजी की चीज़ें आपस में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं तब अगर इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम लोग आइसोगी कहते हैं ठीक है ना उसी तरीके से अन आइसोगी जो होता है उसमें क्या होता है कि दोनों डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के होते हैं लेकिन कैसे होते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दोनों डिफरेंट होते हैं पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है किसमें अन आइसोगी में अन आइसोगी में. में क्या होते हैं कि दोनों मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ठीक है द स्मॉलर एंड मोर एक्टिव माइक्रोगट्स मेल जो होता है अंडरलाइन दैट्स पॉइंट इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो या नहीं जानते हो तो फिर लिख लो जानते हो तो मैस करो यार चलो तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि द स्मॉलर एंड मोर एक्टिव जो आपका होता है वो होता है माइक्रोगट मतलब मेल वाला जबकि लार्जर वाला जो होता है मैक्रोगैमेट जो कि फीमेल होता है वो आपका <laughs> लेस एक्टिव होता है सुस्त होता है थोड़ा सुस्त होती है थोड़ा सा एग्जाम्पल आप क्लैरोमनास ब्राउनी आप यहाँ पे देख लो ये एक जीनस है स्पेसीज़ हैं क्लामाइडोमोनास की बहुत सारी स्पेसीज़ आदर भी होते हैं तो यहाँ पे एक, एक स्पेसीज़ ऐसी है क्योंकि मैंने स्पेसीज़ का नम नाम इसलिए लिया क्योंकि क्लाइमायडोमोनास की कई स्पेसीज़ में आइसोग होगा कई में एनआइसोग होगा और कई में आपको ओगैमस भी देखने को मिलता है तो आप इसीलिए यहाँ पर स्पेसीज़ जान लो कि क्लाइमायडो में हमें मिलता है लेकिन आप इतना स्पेसीज वगैरह पढ़ने मत लगना ये सब आपके काम का उतना नहीं है उसके बाद यहाँ पर डेविएटिंग बाई टिपिकल एनाइसोगी वैन अन यूनाइटिंग गैमिट सो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ विथ फिजियोलॉजिकल डिफरेंट इज इट इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एनाइसोगी कई दफ़े ऐसा भी एनाइसोगी होता है जिसमें कि दोनों आपके मेल और फीमेल जो होते हैं दोनों सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी लेकिन फिजियोलॉजिकल डिफरेंट होते हैं लेकिन अब आप कहोगे सर तब आइसोगी और इसमें क्या अंतर है तब इसमें यही अंतर होता है वही चीज कि मोर एक्टिव कौन होगा मोर एक्टिव मेल होगा और लेस एक्टिव कौन होगा लेस एक्टिव आपकी फीमेल गैमेट होगी तो हम पता लगा लेंगे कि भाई ये फिजियोलॉजिकल एन आइसोगेमी है और इस तरह का हमें किसके अंदर देखने को मिलता है स्पायरो गायरा तो स्पायरो गायरा इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसके अंदर हमें एन आइसोगी देखने को मिलता है अब उसके बाद हम चलते हैं आपके ऊ गैमी की तरफ ऊ गैमी में देखते हैं कि यहाँ पे नॉन मोटाइल होते हैं बेसिकली रोडोफाइसी में देखने को मिलता है अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पॉइंट को दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नॉन मोटाइल होते हैं इन रोडोफाइसी बेसिकली रोडोफाइसी में देखने को मिलते हैं, हैं. मेल गैमिट्स मतलब जो स्पर्म होते हैं जिनको हम लोग आगे जा करके के का भी नाम बोलेंगे तो मेल गैमिट्स एंथ्रोजुआइड्स ये दोनों एक ही चीज़ हैं पोलन एक ही चीज़ है ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये सभी एक ही टर्म है मेल के लिए यूज़ किए जाते हैं मेल गैमेट स्पर्म एंथ्रोजॉयस और ग्रेन ये सब जो है एक ही चीज है इनमें कोई भी कोई खास डिफरेंसेस नहीं तो बस हर प्लांट में, में मेल गैमेट्स के अलग अलग नाम होते हैं एंथ्रीडिया एंथ्रीडिया जो है वो भी क्या है मेल गैमेट है तो आप इस तो बात को ध्यान में रखोगा रखिएगा मतलब सॉरी आगे विद द लार्ज नॉन मोटाइल फ़ीमेल गैमेट्स जबकि यहाँ पे भी आपकी जो फीमेल है वो नॉन मोटाइल होती है एग ओवम होता है एग या ओवम भी हम उसको बोल सकते हैं मेल गैमेट जो होता है वो एंथ्रीडियम में डेवलप करता है जी फीमेल गैमेट जो होता है वो ऊगोनियम में डेवलप करता है इस बात को अंडरलाइन कर लो जैसा कि मैंने कहा कि मेल गैमेट्स के लिए एंथ्रीडियम टर्म यूज़ करते हैं फीमेल के लिए उगोनियम यूज़ करते हैं इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जैसे वाउचेरिया है ओडोगोनियम है ये सभी एलगी के नाम हैं कैसे एलगी के नाम है, है? रोडोफाइसियन एलगी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेंगे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बेटरैको स्पर्मम क्या नाम है बेटरैको इस परमम तो ये तीन तरह के बेसिक्स रिप्रोडक्शन्स थे अब हम वापस लौटते हैं अपने एन की लाइनों की तरफ अदरवाइज़ आप जाओगे भटक और वही चीज़ हमें यहाँ पे नहीं है करनी तो यहाँ पे हम लोग वापस लौटते हैं अपनी लाइनों की तरफ और शुरुआत करते हैं सारी चीज़ों की तो अब देखिए यहाँ पे तो हमने आपको बता दिया आइसो आपको ध्यान में है आइसो का मतलब सेम रहेगा अन आइसो में मेल एक्टिव रहेगा फ़ीमेल इनएक्टिव रहेगी बाकी मॉर्फोलॉजिकल थोड़ी डिफरेंसेस रहती हैं और ऊगैमी में आपके दोनों भाई नॉन मोटाइल रहेंगे आपके इस बात को ध्यान में रखना है चलिए आगे की तरफ ध्यान देते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका कि दीज गैमिट्स दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए कि सेक्शुअल प्रोडक्शन में आपके एनसीआरटी में क्या लिखा हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। मतलब दो गैमेट्स के फ्यूजन से बेसिकली हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं कि यहाँ पे आपके दो गैमेट्स बनते हैं दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड ये गैमेट्स क्या होते हैं बेसिकली आपके फ्लैजिलेटेड होते हैं सिमिलर इन साइज होते हैं एंड एज़ इन यूलोथ्रिक्स हमें ये किसके अंदर देखने को मिलते हैं यूलोथ्रिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं है. और कभी कभी ये आपके नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं मतलब वो मोटाइल नहीं होते हैं जिनके पास में फ्लैजिला होगी वो क्या होंगे आपके मोटाइल होंगे तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे सिमिलर इन साइज़ होंगे जैसे यूलोथ्रिक्स में हमें देखने को मिलते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड देखने को मिलते हैं और जिनको हम लोग नॉन मोटाइल भी कहते हैं बट सिमिलर इन साइज़ एज इन स्पायरो गायरा लेकिन साइज़ में वो क्या होते हैं सिमिलर होते हैं बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पायरो गायरा तो जो आपके नॉन फ्लैजिलेटेड वाले होते हैं वो नॉन मोटाइल तो होते हैं लेकिन सिमिलर होते हैं साइज़ में एज इन स्पेसीज ऑफ इंडोराइना। ये जितनी भी पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा सच रिप्रोडक्शन इज़ कॉल्ड आइसो गैमस जिसके अंदर आपको सेम आपके साइज़ के देखने को मिले सिमिलर साइज के देखने को मिले तो उस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दैट्स आर आइसो गैमस टाइप इस बात को आप लोग ध्यान में रखेगा फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज अगर दोनों डिसिमिलर होती हैं साइज़ में जैसे कि हमें इन यू डोराइना में देखने को मिलता है इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना स्पेसीज ऑफ यू डोराइना तो यहाँ पे इस स्पेसीज के अंदर हमें एन आइसोग देखने को मिलता है सर वाई इट इज़ कॉल्ड ऊ गैमी ऊ का मतलब होता है कि बेसिकली जो आपका फ्यूजन होता है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है वो आपको बेसिकली जो है हमें आ, जो फीमेल वाली जो बॉडी है फीमेल है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है ठीक है ना इसलिए अब यहाँ पे आपके सामने क्या टर्म लिया गया है यहाँ पे आपके सामने टर्म लिया गया है कि स्पेसीज ऑफ़ इंडोराइना या यूडोराइना इज टर्म एज अन फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल अब ये आपको अन समझ में आ गया ना मतलब दो डिसिमिलर साइज़ की अगर स्पेसीज अगर फ्यूज़ करती हैं तो उसको हम लोग अन कहते हैं और फ्यूज़न बिटवीन वन लार्ज एक लार्ज नॉन मोटाइल फ़ीमेल गैमेट अगर आपका फ्यूज़न करती है स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट से तो इसको हम लोग ओ गैमस का नाम देते हैं और इसका एग्जाम्पल आपका है वॉलवॉक्स और आपका क्या है फ्यूकस ठीक है क्लियर अंडरस्टैंड हर किसी को समझ में आ गया ये चीज़ बताओ आकृति सभी लोग बताओ भाई सबको समझ में आया ये चलिए बताइए एक बार इसमें कुछ था नहीं अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है चलिए बताइए सबको समझ में आया कोई चीज़ ऐसा कोई पॉइंट जो ना समझ में आया हो सभी लोग बताएं, ओके okay. आकृति आप बताएं ओके okay. आदित्य आदित्य आप बताएं, आदित्य बताएं, ओके okay. देखो जब हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं ना तो इसकी बहुत डिटेल में है अगर आपको मैंने जो स्लाइड दिखाई ना ग्रेजुएशन के टाइम पे हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं ग्रेजुएशन वाले बच्चे ना एलगी बहुत धांसू पढ़ते हैं ठीक है तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा एलगी में जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं ना तो ये ये पूरा पढ़ते हैं देखो ये केवल वेजिटेटिव का है और फिर उसके बाद हम लोग ए सक्शुअल में जू स्पोर पढ़ते हैं एप्लानो स्पोर पढ़ते हैं स्पोर पढ़ते हैं एक्नीट्स पढ़ते हैं एक्जो स्पोर्स पढ़ते हैं इंडो स्पोर्स पढ़ते हैं आप में भी कुछ स्पोर्स के नाम हैं आगे जिनके बारे में हम लोग आगे मैंशन करेंगे लेकिन है डिटेलिंग आपको थोड़ा सा इस वाले पोर्शन में ज़्यादा देखने को मिलती है पर हाँ लो आपके इंटरमीडिएट्स में इतना पोर्शन में आपको ये सब चीज़ें इतनी डिटेल में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह के कचड़े को बहुत ज़्यादा दिमाग के अंदर भरो जो है फालतू में जो आपके सिलेबस में आप उसको पढ़ो ठीक है तो ये अभी मैं जो पढ़ाने चल रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग आज ही ख़त्म करने वाले हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको आज पढ़ लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और इनसे बहुत सारे इस लाइनों में बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपके इस चैप्टर के छुपे हुए हैं तो हम लोग इसको धीरे धीरे शुरू करते हैं इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं आदित्य का डेटा पैक ख़त्म हो गया क्या लग तो रहा है मुझे ये ना बच्चे सुबह सुबह पबजी खेल खेल करके और वो क्या नाम है यार उस गेम का वो एक यार वो है ना वो फ्री करके फायर कर देता है वो ठीक है तो ये जो फ्री करके फायर करने वाले जो गेम है ना वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ऐसा और वो सस्ता सस्ते वाले गेम होते हैं ना वो जो सभी फ़ोन में नहीं चलते तो ये जो फ्री करके फायर करने वाले गेम है ना वो भाई सस्ते फ़ोन वाले गेम है आप लोग सब्जी वगैरह खेला करो वो थोड़े से बड़े गेम है वो अच्छे गेम होते हैं ऐसा कभी कभार ऐसा इंटरटेनमेंट ले लिया करो और उससे अच्छा तो खेलने में हैंडी क्रस है आपका वो बहुत ही ख़तरनाक गेम है आपका उसको हैंडी क्रस को अगर आप खेलिए तो फिर मज़ा ही आ जाता है देखो नहीं छिपकली मेरे सर के ऊपर गिर जाए ऐसे लाइव सेशन में ही फिर उसके बाद वो कबड्डी 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 करना शुरू कर दे क्या ही मतलब बनेगा चलो शुरू करता है फिर टॉपिक को आगे बढ़ते हैं दिमाग कभी कभार ऐसा खिल जाता है मेरा चलो तो फिर देखते हैं एल के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर मैंने दिमाग से बता सकूं, तो एल के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है भाई लैब में एक चीज़ बनाने में जिसको हम लोग एगार कहते हैं क्या कहते हैं एगार भाई ये ना लैब के अंदर कंपलसरी है ऐसा दुनिया का ऐसा कोई लैब नहीं होगा जहाँ पे एगार नहीं होगा अब कहोगे सर एगार क्यों सर व्हाट इज़ एगार सर एगार क्या होता है कि लैब के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं लाइक बैक्टीरिया लाइक फंजाई इसको हम लोग जो ग्रो कराते हैं ना वो एगार पे कराते हैं अब कहोगे सर ऐसा क्या है सर इस एगार में दट ऐगार बेसिकली हमारा जो एगार होता है ये एक कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बोहाइड्रेट रिच होता है जिसके कारण इस पर बहुत तेज़ी से बैक्टीरिया या फिर आपके फंगस की कॉलोनी ग्रो कर जाती है तो जब भी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करते हैं ना अपने लैब के अंदर तो वहाँ पे हम बैक्टीरिया के लिए वहाँ पे एगार का सॉल्यूशन लगाते हैं ना कि वहाँ पे रोटी डाल देते हैं ठीक है तो एगार को हम लोग पानी में अपना करके वहाँ पे लगा देते हैं और इसकी खास बात ये होती है जो एगार होता है ना कि मतलब ये अगर आप इसको आई थिंक थोड़ा सा वो कर दो ना छोड़ दो ना तो ये वो हो जाता है जेली टाइप का हो जाता है और अगर आप इसको थोड़ा सा हीट करो तो ये जो है ना थोड़ा सा लिक्विड टाइप का हो जाता है तो ये इसकी खास बात होती है बहुत फ्री फायर खेलते हो मैंने तुम्हारे लिए ही नाम लिया था हरी फायर खेलते खेलते तुम लोग का दिमाग ख़राब हो गया पढ़ा करो जो है बहुत पढ़ते हो मुझे पता है बहुत ज़्यादा पढ़ते ऐसा करके अगर गेम पे कम ध्यान दो गेम गेम होता है और नीट नीट होता है नीट एक अलग गेम है एंड ह्री फायर और हब्जी जैसे गेम एक अलग गेम है ठीक है इनका गेम बड़ा अलग है जो इनको खेला वो उनको खेला आ, मैं पबजी बहुत ज़्यादा खेलता हूँ खेलता था खेलता हूँ पर मैंने आज तक पबजी में ना बहुत सारे लोगों को देखे बहुत सारे लोगों को देखे मैंने मुझे आज तक उसमें एक भी बच्चा पढ़ता हुआ नहीं दिखा एक भी बच्चा अब कहोगे सर प, 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 गेम के वक्त तो कोई पढ़ने वाली बातें कैसे कर सकता है नहीं 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 उसमें ना तीन चार चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड हैं बंदा आया बंदा आया उसको मार इसको ना ऐसा करके ऐसा पढ़ने वाले बच्चे नहीं लगते वो हाँ कुछ होते भाई उसमें मुझे क्या पता उसमें नीट क्वालिफ़ाई जो पहली रैंक लाए वो भी खेलो पर आज तक कभी सुना नहीं आज तक जिसको भी सुना ना मतलब एकदम जिसका भी ऐसा बच्चे का मैंने मोटिवेशन सुना इतना उन बच्चों ने हमेशा बताया है कि वो सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों से ज़मीन आसमान का अंतर बना करके रहे हुए हैं और नो डाउट जो भी बच्चे सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूरियाँ बनाते हैं वो अपने लिए डिस्ट्रैक्शंस कम लेकर के आते हैं और जो डिस्ट्रैक्शंस कम लेकर के आएंगे ज़िंदगी में ज़िंदगी में ये नहीं कि आप गेम खेल रहे हो जिंदगी में ये है कि आप डिस्ट्रैक्शंस कितना ले रहे हो क्यों इतना स्ट्रेस उठा रहे हो आप ज़िंदगी में दो घंटे पढ़ो ना निकलेगा यार क्यों नहीं निकलेगा कंपटीशन धा धूं करके निकलेगा आपको पढ़ने की ज़रूरत तब ज़्यादा है जब आपके दिमाग में डिस्ट्रेक्शन ज़्यादा हैं आपको पढ़ने की तब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जब आपके दिमाग में डिस्ट्रेक्शन ज़्यादा नहीं है जब आप दस चीज़ें सोचते हो कि यार अभी अब अप, की बार मैं जाऊँगा उसको ऐसे पीछे से मार दूंगा ऐसा करके एंड द होल और बहुत सारे लोग तो यार घंटों घंटों खेल रहे हैं मुझे नहीं पता कि कैसे वो पाँच छः घंटे कोई पब्जी खेल सकता है अब मैं नहीं खेल सकता मैं ना दो मैच में मैंने मैंने अगर एक दो किल कर दिए ना किसी को मार मार दिया ना तो ऐसा पाप लग जाता है मुझे फिर मैं हट जाता हूँ वहाँ से क्या तो पहले पाप को थोड़ा सा पुण्य करके आता हूँ फिर फिर पुण्य करने के लिए क्या करना होता है पढ़ना होता है फिर पुण्य करो और फिर पुण्य करने के बाद जब मैं पूरे दिन पुण्य कर लेता हूँ तो फिर अगली रात फिर पहुँचता हूँ पाप करने के लिए फिर दो को मारता हूँ फिर उसके बाद पुण्य करता हूँ तो ये पाप पुण्य वाला खेल होता है पर आप जिंदगी में पाप ही पाप कर रहे हो यार छः छः घंटे आप पाप ही कर रहे हो तो फिर उसके बाद पुण्य करने का वक्त ही नहीं बचा ना और जब पुण्य नहीं करोगे तो फिर माँ बाप तो फिर गए हो काम से उनका पैसा लेके डुबा दिया फ़ोनों दिला दिया फिर भी पैसा लेके डुबा दिया बेचारे फ़ोन दिलाएं तुम लोग तो जो है लाइव क्लास के लिए और बेचारे आई दिलाने की बात कर रहे होते हैं हमारे कितने लोगों के डैडी हैं भाई मिलते हैं तो यही कहते कहते तो भैया सर कौन सा लैपटॉप ले लें बिटिया के लिए सर कौन सा वो सुने में आया कोई आई आता है आई वो सर बेस्ट है कि नहीं है भाई मेरी आंखें निकल जाती जब लोग मेरे सब आईपैड खराब लेते तो <laughs> भाई मेरे को ही पहले दिला दो छोड़ो बिटिया का ठीक है <laughs> तो ध्यान में रखो और थोड़ी दूरियां बना करके एक दो साल दूरियां बना लोगे ना तो ज़िंदगी इससे दूरियां नहीं हो जाएंगी अदरवाइज़ हमारे दोस्तों से पूछो कभी कभार उनके ऊपर बिजलियाँ गिरती हैं तो कैसी गिरती हैं एल गी आर यूज़फुल मेरे से ही पूछ लो एल आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ कैरी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसको अंडरलाइन कर लो आप सभी लोग एन में कि एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मतलब आपके अर्थ पे पाई जाने वाली जितनी भी टोटल कार्बन डाईऑक्साइड उसका तकर हाफ रेशियो जो होता है वो फिक्स करने का काम कौन करती हैं एल करती हैं दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज एल आर कवर्ड ऑन ऑल सर्फेस ऑफ द अर्थ ठीक है ना मतलब मैक्सिमम सर्फेस ऑफ सर नॉट ऑल सर्फेस ऑफ द अर्थ है ना मैक्सिमम सर्फेस ऑफ द अर्थ क्योंकि ये हर स्टोन पे ये पूरे समुद्र में और आपको पता है कि समुद्र जो होता है वो हमारे जितने लैंड्स हैं ना उसी तरीके का रेशियो हमारे इनका भी होता है ओसन का भी होता है राइट तो इस बात को आप ध्यान रख मुझे पता है आपके भाई खेलता होगा इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि पूरा का पूरा होल अर्थ होल अर्थ ठीक है ना और मैं कहता हूँ होल अर्थ लैंड्स की मैं बात नहीं कर रहा करूँ मैं बात कर रहा हूँ ओसंस की ओसंस का एक बहुत बड़ा जमावाड़ा है हमारे घर यहाँ पे एंड वो बहुत ही ज़्यादा फोटोसिंथेटिक रीजन होता है और वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है ड्यू टू एल क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि एल जो है वो हमारे पूरे इकोसिस्टम्स को रन करा रही है मैं वर्तिका और अंशिका से बार बार कहना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा बेसिक पढ़ाता हूँ हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस लगे पर मेरे हाथ कभी कभी बहुत बंधे होते हैं ठीक है तो बाकी मैं कम नहीं पढ़ाता हूँ पर हाँ थोड़ा सा धीमे जरूर पढ़ा रहा हूँ मैं अभी पर आ जाऊँगा लय में क्योंकि मुझे ध्यान में रखना पड़ता है ऐसा समझ रहे हो ना बींग फोटो सिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन देर इमीडिएट इनवोमेंट चूँकि वो ऑक्सीजन का रिमूवल कर रहे होते हैं इसलिए वो जहाँ पे भी होते हैं जिस भी एरिया में अगर वो ओसन में है ओसन में बाहर है बाहर वो किसी भी एरिया में होंगे वो अपने आसपास के एरिया में बहुत सारा ऑक्सीजन इन्वामेंट में देंगे ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है प्लांट्स की और एलगी की मतलब एल का पाया जाना आपके नेचर के लिए बहुत बेस्ट होता है लेकिन लेकिन कहीं कहीं पे वो दिक्कतें करता है लेकिन वो एक दूसरा कंडीशन है बट चूंकि एल जो है वो आपको हवा नहीं दे सकता है पर एल बहुत सारी ऑक्सीजन आपके लिए तैयार कर सकता है प्रिपेयर कर सकता है ये अपने में एक बहुत खास बात होती है जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है आपके ओसिन की उसकी भी पूर्ति कर सकता है समझ रहे हैं कि नहीं तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा दे आर द पैरामाउंट इंपॉर्टेंट है प्राइमरी प्रोड्यूसर टू तो एनर्जी कंपाउंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जब आप इको पढ़ते हो तो आपने इको कई दफ़ा पढ़ा होगा ना तो इको में आपने क्या देखा होगा इको में आप देखते हो इस तरह का इको बना देते हो नो no डाउट हम लोग जब भी एनर्जी का इकोसिस्टम बनाते हैं किसका बनाते हैं एनर्जी का इकोसिस्टम बनाते हैं तो वो हमेशा अपराइट बनता है कैसा बनता है अपराइट बनता है मतलब एलगी अगर नीचे की तरफ है तो इट हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी और इसी के बेसिस पे ऊपर के सारे इकोसिस्टम टिके हुए हैं केवल एक नन्ही सी एलगी के बेसिस पे लेकिन जहां हम लोग बायोमास का अगर हम लोग ओसन के बायोमास का बना दिया किसके ओसेन के बायोमास का अगर हमने पिरामिड बनाया तो उस कंडीशंस में ये ऐसा बनता है क्योंकि आप सीधी सी बात है अगर आप पूरे घर भर का एलगी ले लोगे और उसमें अपने आप को रख दोगे एक तोलने की तरफ अपने आप को रख दो एक तरफ एक पूरे कमरे भर की एलगी तो कौन ज़्यादा होगा आप ज़्यादा होगे आपका बायोमास ज़्यादा होगा आपका वेट ज़्यादा होगा उस एलगी का कम पर अगर मैं पूछूँ किसके पास ज़्यादा एनर्जी है तो दैट्स एलगी हैव द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसीलिए जो बायोमास का पिरामिड है वो वाटर इकोसिस्टम में हमेशा ज़्यादातर देखने को मिला है कि इन्वर्टेड मिलता है उल्टा मिलता है जबकि बाकी चीज़ों में सीधा मिलता है लाइक एनर्जी में सीधा मिलता है लाइक नंबर में सीधा मिलता है लेकिन जो बायोमास में है उसमें ये इन्वर्टेड हो जाता है इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो, तो एलगी जो होता है ये हमारा एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है क्योंकि ग्रीन जो प्लांट होते हैं वो हमेशा एक प्राइमरी प्रोड्यूसर ही होते हैं ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड और साथ में मैंने आपको कहा है कि ना केवल ये ओशंस वगैरह को ही एक्वाटिक एनिमल वगैरह को ही ये न्यूट्रिशंस देने का काम करते हैं येस डिजॉर्व ऑक्शन वेरी गुड बहुत बढ़िया तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि न केवल वो आपके एक्वेटिक मतलब कि अपने ओसन वाले एनिमल्स को सारी चीज़ें देने का काम कर रहे हैं बसर थे बहुत सारे अदर भी ऐसे एनिमल हैं बाहर की तरफ जैसे कैटल वगैरह हैं उनके फूड में भी काम में आते हैं जैसे कि पोरफाइरा हो गई जो बड़ी एल्गी है जो दिखने में काफ़ी बड़ी होती है लेमिनेरिया हो गई और लेमिनेरिया आपको मैंने पहले भी बताया कि इसका एक और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया एक आर एंड द सरगासम सरगासम जो है उसके नाम से एक सी है जिसको हम लोग बोलते हैं सरगासो सी मैंने आ, सभी को बताया था इसके बारे में सरगासो सी के बारे में मैंने टारगेट बैच को बताया हुआ था लेकिन जो इलेवेंथ के बच्चे हैं वो भी सरगासो सी के बारे में अगर ऑनलाइन क्लासेस करते होंगे तो आपके टीचर को ने बताया होगा बताया आकृति सरगासो सी के बारे में आकृति सरगासो सी के बारे में बताया आपको आकृति सरगासोसी के बारे में बताया आपको बताया जरूर होगा आ, ये सब दुनिया में सभी टीचर जरूर बताते होंगे छाइए <laughs> ये सौ और नो लिख दीजिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है अगर आपको आता है यस सो तो यू कॉल एस यस सर तो आ, मुझे पता लग जाएगा कि यस तो आप क्या बोलना चाहते येस डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो आपके वाटर में डिज़ोल्व होते हैं वो बेसिकली वो कंज्यूम करते हैं एंड सम फिश आर लंग्स जो कि कभी कभार उड़ उड़ के ऑक्सीजन ले लेती हैं ऐसा ऐसा लाइक फ्लाइंग फिश एग्जोसीटस एग्जोसीटस एक फिस है जो कि उड़ उड़ के उड़ उड़ के उड़ उड़ के मज़े लेती है सर उड़ उड़ के uh, जवाब दे रहे हो आपकी नहीं मैं uh, आगे चलूँ आगे चलूँ मैं ओके okay. कोई दिक्कत नहीं यार मैं हूँ ना मैं हूँ ना चलो सरगासम जो होता है एक सरगासो सी है और बेसिकली अंटार्कटिका एक रीज़न है आप सभी को पता है अंटार्कटिका का नाम सुना है पोलर रीज़न होता है काफ़ी ठंड जगह होती है बर्फ़ होती है वहाँ पे ऐसे रीज़न में क्या होता है कि चीज़ें मरती तो हैं लेकिन चीज़ें सड़ती नहीं है सड़ने का मतलब डिकम्पोज नहीं होती हैं तो ऐसी चीज़ों का होता क्या है वैसी चीज़ें हु बहूँ वहाँ पे बिना सड़े कई सौ सालों तक पड़ी रह सकती है बिना सड़े यही चीज़ होता है सरगासो सी में सरगासो सी का पानी इतना ठंडा होता है कि इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म इन्फेक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वो खुद वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा इस कंडीशन में जो सरगासम एल्गी होता है उसकी पूरे समुद्र में एक लेयर बन गई है पूरी परत बन गई है मोटी मोटी परतें बन गई एक एक ट्रैप बन गया है क्या बन गया है ट्रैप तो जब उस सी से बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ें कभी जाती हैं सब जाती है या जहाज़ें बहुत बड़ी बड़ी जाती हैं तो अक्सर वो क्या होता है कि उसमें वो जहाज़ें फंस जाती हैं और फंस जाने के कारण उन जहाज़ों का कई दफ़े पता नहीं चल पाता है कि वो जहाज़ें क्यों फंस गई कहाँ पे कैसा हुआ और कई दफ़े वो जहाज़ें वहीं पे अंदर एक बेड के नीचे पूरा का पूरा जहाज़ समा जाती है क्योंकि क्योंकि इतना ज़्यादा एलगी की पूरी वहाँ पे बेड होती है कि किसी भी कोशिश करके वहाँ से आप जहाज़ों को नहीं निकाल सकते हो तो ये सरगासो सी की कहानी है और वहाँ पे चूँकि मैंने कहा नहीं चीज़ों का डिकम्पोज होना बहुत ज़रूरी है अगर माइक्रो माइक्रोआरगेनिज़म नहीं होंगे तो हमारी लाइफ नर्क होगी ठीक है सरगासम सरगासम जो है वो एक बड़ा एलगी होता है छोटा नहीं होता है और इसको अक्सर कैटल को खिलाने के लिए आपके पोर्फाइरा फ्यूकस सरगासम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज अ लाइक मैराइन एलगी यूज एज़ फूड सत्तर स्पेसीज होती हैं तकरीबन जिनका हम इस्तेमाल फूड के रूप में खाने में करते हैं सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस बहुत सारे ऐसे रेड और ब्राउन एल होते हैं जो कि कुछ सब्सटेंसेस सिक्रिएट करते हैं अपने बॉडी के, के अंदर से या फिर अपने प्लांट बॉडीज के अंदर से या फिर अपने सेल से जिसको हम लोग हाइड्रोकोलाइड्स कहते हैं एंड वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस ये जो होते हैं ये क्या करते हैं वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं क्या करके रख सकते हैं वाटर को होल्ड करके कुछ सब्सटेंसेज को ये रख सकते हैं एग्जाम्पल एलगिन इज वॉट एलगिन इसको हमने क्या नाम दिया एल्गिन जो कि बेसिकली हम लोग ब्राउन एलगी के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं ब्राउन एलगी बेसिकली इसको करते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग एल्जिनिक एसिड के भी नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं एल्जिनिक एसिड के भी नाम से जानते हैं जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि वाट इज़ एल्गिन क्या होता है जो ये लोग प्रोड्यूस करते हैं तो एल्गिन जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है ब्राउन एलगी के थ्रू तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे एंड कैरेगिन एक एलगी होता है जिसको हम लोग रेड एल्गी से uh, मिलता है तो इस बात को ध्यान रखें कैरेगिन तो कैरेगिन जो होता है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है जिससे हमारा एगार जो है वो बेसिकली बनाया जाता है तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ में हम लोग इसको लाते हैं एगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट जो एगार होता है वो एक तरह का कमर्शियल प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग ऑप्टेन करते हैं किससे जेलीडियम से ग्रेसिल एरिया से यूज़ टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप इसको क्या कर दोगे थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो ये जेली के फॉर्म में हो जाएगा मतलब हल्का से इसको ठंडा होने दो तो ये जेली के फॉर्म में हो जाता है मतलब ये एक जेली का फॉर्म देता है एक प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर टेम्परेचर पे तो जेलीज़ बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल बेसिकली करते हैं क्लोरेला अ एल्गा रिच इन प्रोटीन इन यूज एज फूड सप्लीमेंट इवन स्पेस ट्रैवलर यहाँ पे आपके सामने आ गया स्पेस ट्रैवलर के रूप में हम लोग यूज़ में लाते हैं क्लोरेला को जैसा कि मैंने कहा कि सवाल एक टाइम पे बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये जो क्लोरेला होता है एलगी इसमें बहुत सारा रिच प्रोटीन होता है जो कि फूड सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है अब यहाँ पे हम लोग इसके पहले क्लासेस की बात करें तो थोड़ा सा हम लोग एलजीनिक एसिड के बारे में जान लेते हैं एल्जिनिक एसिड जो होता है उसको हम लोग बेसिकली एल्गिन कहते हैं ये एक पॉलीसेक्राइड होता है कैसा होता है पॉलीसेक्राइड मतलब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होता है कैसा होता है कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होता है अब आप समझी सकते हो इससे बहुत ही अमाउंट में आपको एनर्जी मिल सकती है वाइडली इन सेल वॉल ब्राउन एल्गी में हमें देखने को मिलते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली इन सेल वॉल पे मौजूद होते हैं दैट इज हाइड्रोफिलिक इनको पानी से काफी प्यार होता है क्योंकि ये पानी को होल्ड करते हैं पानी को क्या करते हैं होल्ड करते हैं भाई अगर उसको पानी से लगाव नहीं रहेगा तो क्या वो पानी को होल्ड कर पाएगा नहीं पानी को वो होल्ड नहीं कर सकता है और ये एक गम जैसे होते है विस्कस गम जैसे होते हैं गम आप समझते हो ना मतलब ऐसा वाटरी वाटरी जैसा होता है वेन हाइड्रेटेड जब ये हाइड्रेटेड होते हैं कौन एल्जिनिक एसिड तो एल्जिनिक एसिड जो एल्गिन होता है वो एक पॉलीसेक्राइड होता है सेलवॉल पे मौजूद होता है हाइड्रोफिलिक होता है और हाइड्रेटेड का निश विथ मेटल और इसमें कुछ आपको मेटल्स आयन देखने को मिलते हैं जैसे सोडियम है कैल्शियम है इट्स सॉल्ट आर नोन एज एल और जिसमें आपको सोडियम और कैल्शियम देखने को मिलते हैं दैट्स आर द सॉल्ट इसको हम लोग एल का नाम देते हैं इट कलर रेंजेस ऑफ वाइट टू येलो ब्राउन और इसी कारण जो होते हैं जो हमारे एल होते हैं वो बेसिकली हमें ब्राउन कलर के अपियर हो जाते हैं या फिर येलो कलर के अपियर होते हैं तो इसके कलर के कारण भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है एल्गिन इज़ यूज़ टू मेक मेडिसिन में बनाने में हम लोग इसको यूज़ करते हैं जैसे कि अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का लेवल किसी के बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो उसको लोअर करने में मदद करता है रेड्यूस करता है जैसे कि आपके इस्टोंटियम बोरियम या फिर ये सारी चीज़ें अगर आपके बॉडी के अंदर है तो उसको टेकअप करने का काम करते हैं आपको पता है मर्क्यूरी वगैरह हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम करता है इतना डिटेल आपको

ये हमें रेड एलगी से प्रोड्यूस होता है यूज्ड कमर्शियली हम लोग इसको यूज़ में लेते हैं तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है आई थिंक एक मिनट थोड़ा सा हमें वक्त दो एक मिनट का बस टाइम दो एक मिनट का टाइम दो हमें थोड़ा सा टाइम दो ओके okay, एक मिनट का टाइम दो मैंने कुछ नोट्स लिखे हुए थे यार इसको देखने बाकी मुझे चले जाएगा एक मिनट टाइम हम कुछ बताना चाह रहे रहे हैं हैं आपको वही देख रहे बस शॉपिंग पे आ गया हम लोग तो ऐसे चीजें ठीक okay, है चलिए ये हो गया आपका चलिए थोड़ा सा कुछ देख रहे थे ठीक है सब कुछ तो समझ में आया सबको पहले मुझे एक बार सब लोग जवाब दे दो इसमें से कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो एक बार सभी लोग हमें जवाब दे दो ये सब लोग भाग गए भागो मत भागो मत भागो मत थोड़ा देर रुक जाओ यार हाँ पूछो 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 डाउट पूछो आकृति जरूर पूछो डाउट पूछो आकृति पूछो पूछो हम्म क्लियर लाइक क्रिस्टल ओके चलो आकृति बताओ पूछो भाई मेरे हाँ सवाल आने चाहिए मैं बस ओके okay, शिवा बहुत बढ़िया शिवा लेट आए थे यार शिवा शिवा तुम्हें डांट सुनने का सुनने का शौक़ रहता है क्या मुझे ऐसा तो डांटने का बहुत शौक़ रहता है सर चलो अकृति जल्दी से पूछो भाई आपका सवाल नहीं आ रहा यार या फिर मैं लेट हूँ या फिर आप लेट हो या फिर कोई तो लेट है ओके सुरें पवन एनर्जी कहते हैं सर बहुत अच्छा हैं वेरी गुड आकृति सवाल पूछो चले गए क्या यार ऐसा ना किया करो यार सब मजाक लगता है यार मुझे मज़ा नहीं आता यार अब मैं वेट कर रहा हूँ ऐसा यूट्यूब पे ऐसा कोई वेट करता है क्या सर देखो सब ऐसा सर अगेन और कैरेगिन नहीं एलगिन ओके देखो एल्गिन एंड कैरेगिन इज़ जस्ट लाइक अ सब्सटेंसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी ओके इतनी बात समझ में आई एल्गिन जो है जैसे कैरेगिन जो है वो कॉन्ड्रस मान लो कॉन्ड्रस बोलते हैं उस एल्गी का नाम है जिसको हम लोग रेड एल्गी में लिखते हैं उसमें ऑप्टेन किया जाता है एल्गिन जो है वो हमें बेसिकली ब्राउन एल्गी का सब्सटेंस होता है जो हमारा एल्गिन होता है इसी को समझाने के लिए ही मैंने यहाँ पे आपके सामने ये एल्गिन के टर्म को रखा किसको रखा एल्गिन के टर्म को यहाँ पे आपके सामने रखा तो इसमें आपको क्या कन्फ्यूज़न आ रही है ज़रा कुछ हमें बता दो और थोड़ा सा डिटेल में को तुम्हें जो भी कंफ्यूजन है ना वो मैं समझ रहा हूं मैं समझ रहा हूं अच्छा मैं फिर से एक बार तुम्हें बता दे रहा हूं देखो सुनो मेरी बात लुक एट दिस इसमें कह रहा है कि ब्राउन होते होते हैं और एल्गी होते हैं और रेड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ये क्या प्रोड्यूस करते हैं जो ब्राउन एलग होता है वो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस व्हाट इज द वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस मतलब ऐसे जो वाटर को कंटेन करते हों क्या करते हों वाटर को कंटेन करते हों तो वाटर को कंटेन वही कर सकता है जिसके पास आयन्स वगैरह हो लाइक सोडियम आयन हो पोटेशियम आयन क्लोरीन आयन हो तो ये जो होते हैं ना ये जो आपके जो पॉलीसेक्राइड होते हैं जिसको आप लोग एल्गिन कहते हैं बेसिकली हम लोग ये किससे ऑप्टेन किया था ब्राउन एल्गी ब्राउन एल्गी के वॉल पे होते हैं ये बेसिकली आपके और ये वाटर को कंटेन करते हैं हाइड्रेटेड रखते हैं ठीक है ये बात आप ध्यान में रखेंगे एक काम करते हैं अब इनसे आपको क्या फ़ायदा होता है ये काम तो करते हैं अपने प्लांट के लिए अपने एलगी के लिए लेकिन चूँकि इनमें बहुत सारा पॉलीसेक्राइड होता है तो ये हमें फूड की तरह भी काम में हम इनको ले सकते हैं साथ में ये हाइड्रेटेड होते हैं सलाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं विथ मेटल एज सोडियम आयन और कैल्शियम आयन भी होता है ठीक है इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे अब ये मैंने एक्स्ट्रा निकाला हुआ ये लाइनें सारी मैंने एक्स्ट्रा निकाली है आपके एनसीईआरटी में नहीं है ये आपको बताने के लिए कि एल्गिन का इस्तेमाल हम लोग किस किस चीज़ों में करते हैं लाइक मेडिसिन में कर सकते हैं किस तरह के मेडिसिन में कर सकते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है हम उनको दे सकते हैं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर जिसका हाई है वो साथ में ये आपकी बॉडी से हैवी केमिकल लाइक अगर आपकी बॉडी में कहीं इस्ट्रॉन्टियम है बेरियम है टिन है कैडबियम है मैग्नीज है जिंक है मरक्यूरी अगर वाटर में भी है ये सारी चीज़ें तो ये उसको भी साफ करने का काम कर देते हैं ठीक है दैट्स अ टेकन अप बाय द बॉडी ये आपकी बॉडी से सारे उस केमिकल्स को क्या करते हैं टेक कर लेते हैं अपने पास ले लेते हैं बॉडी के जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होंगे ना आपकी बॉडी में जो टिश्यूज़ वगैरह में जो मर्क्यूरी वगैरह होगी उसको क्या कर लेंगे आपकी ब्लड में मान लो एल्गिन बह रही है आपकी ब्लड में एल्गिन बह रही है ना हाँ आपकी ब्लड में एल्गिन बह रही है ना तो वो क्या करेगी टिश्यूज़ से सब कुछ क्या कर लेगी कैप्चर कर लेगी और ब्लड किस थ्रू उसको क्या कर लेगी या तो फ़िल्टर करवा देगी आपकी यूरिन यूरिन वगैरह से समथिंग दैट तो वो इस तरीके से बाहर कर देखती है आपके बॉडी के अंदर से ठीक है तो उसको टैकअप करने का काम करती है या उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रॉय करके उसको डी नेचर कर दे तो कुछ भी हो सकता है ये उसी तरह से कैरागिन है कैराइगिन भी जो है वो हम लोग सेलोलोजिक होता है सेलुलोजिक होता है यूज़ में आता है काफ़ी ज़्यादा है, इसका हम लोग यूज़ में लाते हैं कमर्शियली यूज़ में लाते हैं अब फूड मटेरियल्स वगैरह बनाने में ही आप बोल सकते हो मेडिसिन वगैरह में ही कह सकते हो तो कार्बोहाइड्रेट वो भी होता है दोनों होते हैं बेसिकली वो रेड एलगी से मिलता है जैसे कॉन्ड्रस नाम का एक एलगी होता है उससे ऑप्टेन किया जाता है कैराग्रीन और कई दफ़े हम उसी को कैराग्रीन कह देते हैं तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा और इनका सभी का, 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 का कमर्शियल यूज़ होता है एगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट जिसको हम लोग जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से प्रोड्यूस करते हैं इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना एक बार नहीं दसों दफ़ा ये सवाल आया हुआ है यूज़ टू ग्रो माइक्रोब्स एंड जैसा कि मैंने तुमको कहा कि एगार का इस्तेमाल हम किस में करते हैं लैब uh, के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए तो दैट्स ऑल दिस सारे पॉइंट तो आपको बता ही दिया गया है बाकी आइसक्रीम बनाने में भी करते हैं और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रेटिव होता है ऐसे आप इसको ध्यान में रखिएगा क्लोरेला जो होता है उसका मैंने बताया ही था आपको स्पेस एलगी के रूप में जाना जाता है और इसमें एक प्रोटीन होती है इस पॉइंट को अंडरलाइन करिएगा दैट्स अ प्रोटीन नॉट अ कार्बोहाइड्रेट कई दफ़े लोग कन्फ्यूजन में स्पेस एलगी का नाम आते है कार्बोहाइड्रेट क्योंकि उससे एनर्जी मिलती बट नो यहाँ पे क्या होता है प्रोटीन होता है दैट्स इज वॉट प्रोटीन होता है तो जब आप आगे पढ़ोगे ना तो आप आगे पढ़ोगे ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह राइट तो जो पहले वाले बच्चे जिन्होंने हार्मोन्स पढ़ा उनको पता है ग्लूकोडियोजेनेसिस वगैरह या फिर ग्लूकोजेनेसिस वगैरह तो वहाँ पे आप पढ़ोगे कि प्रोटीन से कैसे कोई कार्बोहाइड्रेट बना सकता है तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग वहाँ पे देखते हैं खैर वो सब बात की बात है, है ज़्यादा नहीं तो आपको बस ध्यान को क्या रखना क्लोरेला कॉक क्या प्रोड्यूस करता है प्रोटीन दैट्स अ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एलगी जो आपको ध्यान में रखना है कुछ पॉइंट्स जो आप बहुत सारे पॉइंट्स हैं यार एल के इंपॉर्टेंस तो खत्म हो ही नहीं सकते इतनी जल्दी लेकिन क्या करें भाई ये एन -E है ठीक है ना जिसको भैया अगर आप नहीं पढ़ेंगे और इतना ही पढ़ेंगे तभी आपका कल्याण होगा ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये पत्थर आपने सर पे रखिए और ऐसे फटार 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 तोड़ डालो अपना सर जो है चलो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब आ, आपके डिफरेंट टाइप्स के एलगी के बारे में जो कि है क्लोरोफाइसी दैट्स आर द नेक्स्ट लेक्चर क्लोरोफाइसी फियोफाइसी एंड द रोडोफाइसी क्लोरोफाइसी में आप पढ़ेंगे क्लाइमेडोमोनास यूलोथ्रिक्स यूलोथिक्सपायरोगेरे के बारे में फ्योफाइसी के बारे में आप पढ़ेंगे लेमिनेरिया सरगा समीकटो के बारे में और रोडोफाइसी में आप पढ़ेंगे पोफाइरा जैलीडियम एटसेट्रा के बारे में तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर पे तब तक के लिए गुड नाइट आ, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर ज्वाइन करने के लिए जाते जाते चैनल को लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ में जिसका नाम रहेगा एलगी का क्लासिफिकेशन ठीक है चलो अभी चलते हैं आप ओके चलो फिर भाई अभी बहुत हो गया अभी अभी बहुत हो गया अभी जा करके थोड़ा पेट पूजा वूजा करेंगे फिर उसके बाद अपना भाई थोड़ा सा सा गेम में ऐसा खेलते रहो पर ज़्यादा नहीं ठीक है चलो ओके